हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह. एवरी MLA ऑफ NCP इज प्रेशियस टू अस. हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा. अगर यह कंप्लीट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी हो आपके मन में तो ऐसा नहीं उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते. हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे. हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते और दोनों अपनी जगह सही है. नाराजगी और विचार, एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है. NCP में नाराजगी कभी नहीं. एवरी MLA ऑफ NCP इज प्रेशियस टू अस. हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं. अभी हर MLA जो NCP का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा. उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे. इट द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 डेज. बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा. महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 9 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया. शपथ लेने के बाद हमें ये पता पड़ा और उसी क्षण टेक्निकली वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और इसीलिए हमने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी अभी थोड़े देर के पहले, कुछ समय के पहले हमने फाइल किया है. महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष साहब के पास हमने ईमेल पे ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भेजा है. मैंने खुद विधानसभा के अध्यक्ष साहब को फ़ोन 4 बार किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, इसीलिए उनको आई मैसेज करके कहा है कि आप व्हाट्सएप पे देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने भेजा है और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको कॉपी भेजी है डिस्क्वालिफिकेशन की. फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस, डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुँचाने की व्यवस्था हमने अभी की है. और साथ में इसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हमने खत लिखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिखे ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा ऐसा किया है लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो ये मान्य नहीं करती और उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा है. कोई और आके हम पार्टी है करके कहने को जाए तो हम वहाँ हैं, हम पार्टी के नाते वहाँ मौजूद है और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में है. इसमें आज एक विधायक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने हमारे डिस्क्वालिफिकेशन कमेटी जो है, डिसिप्लिन कमेटी, वो डिसिप्लिन कमेटी स्टेट की जो है उनको खत लिखा था और उसके ऊपर प्रोसेस करके उनके ऊपर एक्शन लेने का निर्णय डिसिप्लिन कमेटी ने दिया और उसके बाद में हमने डिस्क्वालिफिकेशन अभी फाइल किया है. और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल नार्वेकर जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है, वो हमें उनको रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने जल्द से जल्द कल सुबह हमारे पिटीशन के लिए हमें बुलाए उन्होंने इनवाइट करना चाहिए और हमारी जो उसमें पिटीशन की साइड है वो सुन लेनी चाहिए. हमारे मुताबिक हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने, 9 लोगों ने महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ जाके सरकार में स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो शामिल हुए, उनके खिलाफ हमने डिस्क्वालिफिकेशन फाइल किया है और जिस क्षण उन्होंने शपथ ली उसी क्षण वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं. अभी हमने विधानसभा के जो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, दोपहर में ही हमने जितेंद्र आवाड साहब को चीफ व्हिप के नाते उनको अपॉइंटमेंट दी है और वो अभी काम कर रहे हैं. वो अभी खुद जाके
ये डिस्क्वालिफिकेशन के पेपर्स, डिस्क्वालिफिकेशन का पिटिशन उनको देने की कोशिश करेंगे। कोशिश है हमारी कि रात को ही उनको दिया जाए। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।